ये जो फिल्म है इसका नाम है राग देश, और ये सुभाष चंद्र बोस और उनकी बनाई हुई आज़ाद हिंद फौज, और उस आज़ाद हिंद फौज पे जो ट्रायल हुआ, जो जनरल कोर्ट मार्शल हुआ लाल किले में, इन सारे मुद्दों पे है ये। जो बहुत अच्छी बात है स्क्रिप्ट की वो ये है कि बहुत एंटरटेनिंग है, हमारी हिस्ट्री के बारे में है ऑफ कोर्स, लेकिन साथ ही बहुत ही एंटरटेनिंग पिक्चर है, कोर्टरूम ड्रामा है, वॉर फिल्म है। मॉरल ड्यूटी ऑफ फिल्म मेकर्स है ना इन इंडस्ट्री टू मेक सच फिल्म्स, कि जो लोग पैदा हो रहे हैं आज इस दौर के लोगों को पता तो चले कि ये जो आज़ादी है इस देश में कैसे मिली। हिस्टोरिकल है और इसके बहुत सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं नेट पे, किताबों में, तो मेरी और मेरी पूरी टीम ने कुछ 8-9 महीने की रिसर्च की और उसके बाद हमने स्क्रिप्ट ली, तो हम लोग बहुत ज़्यादा वी आर वेरी ट्रू टू व्हाट रियली हैपेंड, और हमने तो हमारी एक अलग से हमने स्क्रिप्ट बनाई हुई है जिसके हर सीन में लिखा हुआ है कि भाई ये वाला सीन हमने किस किताब से और किस पन्ने से उठाया है, कि कहीं कल खड़ा होकर बोले भाई आपने तो हम उनको बता सकते भाई ये है, पर कहीं कहीं हमने कहीं कहीं सिनेमैटिक लिबर्टीज ली हैं जहाँ वो पर्सनल मोमेंट्स हैं, कहीं भाई कोई किरदार चाय पी रहा है किसी के साथ, तो ये कहीं हिस्टोरिकली किताब में तो लिखा नहीं कि चाय पीते हुए क्या बात हुई थी, पर उन उन मोमेंट्स पर हमने थोड़ा इमोशनल और ड्रामेटिक करने की वहाँ वहाँ कोशिश की, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं, जो प्लॉट पॉइंट्स हैं, उसमें हम एकदम सच्चे हैं।